हाँ, तूने तो बड़े मजे से बोल दिया, नो मीन्स नो। अब तू बैठा है ड्राइविंग सीट पर, पूरी दुनिया से ना नहीं नो मुझे सुनना पड़ रहा है। और ये लो, ग्लोबस ने भी मना कर दिया। रिलैक्स, मैंने तीन और वेंडर्स से बात कर रखी है। एंड ऑल थ्री ऑफ देम कॉल्ड मी। पता क्या कह रहे थे? कि सर वियान सर को ना बोलने में डर लग रहा था, इसलिए हम आपको कह रहे हैं नो। वियान उन तीनों ने सजेस्ट किया है कि आप अमृता से चेक कर लीजिएगा, वो आपका काम करा सकती है। वियान मेरे भाई, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उसकी मोनोपोली है सेक्टर में, उसके कॉम्पिटिटर्स भी उसको मानते हैं, बस तू नहीं मानता। तुझे मुझसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि मैं औरतों पे ट्रस्ट नहीं करता। उस पे मैंने पूरा भरोसा किया था। मोर सो आई रिस्पेक्टेड हर, एंड व्हाट डिड शी डू? शी मूव्ड ऑन, उसने अपनी कंपनी खोल ली, बिग डील। जाते जाते हमारे क्लाइंट्स ले गई। शी बिट्रेड अस, धोखा दिया उसने हमें। यान, जिसको बिट्रे करना होता है ना, वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाने के लिए बार बार रीच आउट नहीं करते। जो बिट्रे करते उन्हीं को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है सर। वियान, आई एग्री कि लॉस हुआ था, बट वी बाउंस बैक इन लिटरली नो टाइम, और इसे तो बिजनेस कहते हैं। इट वाज नेवर अबाउट दोज लॉसेस, लेकिन उस लॉस की वजह से पूरे मार्केट में हमारा नाम खराब हुआ था। उसने मेरा भरोसा तोड़ा। तो अब हम ये प्रोजेक्ट लूज कर दे? अरे तुझे उससे बात नहीं करनी, मत कर, मैं करता हूं ना। वो हमें इतनी बार ये अप्रोच कर रही है, मेबी शी वांट्स टू अपोलोजाइज, हु नोस। धोखे की कोई जस्टिफिकेशन, कोई सफाई नहीं होती, और माफी भी नहीं। अ बिट्रेयल कैन नेवर बी फॉरगिवन। यू आर टेकिंग दिस टू पर्सनली, और इसका इंपैक्ट ना अब हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। पर्सनली मेरे लाइफ में बिट्रेयल की कमी नहीं है। पर्सनली मैं माँ को रोज देखता हूँ पापा को पूछते हुए, उनके धोखे को भूल के डिनाइल में जी रही है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। यस, इट गॉड डैम हर्ट्स। पहला धोखा आपकी किस्मत होगी, दूसरा धोखा आपकी खुद की बेवकूफी, और मैं अमृता को दूसरा चांस नहीं दूंगा मुझे धोखा देने का। तो सॉरी क्या अपने खून से लिख के दूं, या वहां जाके उनके पैर पकड़ के माफी मांगू? नहीं, तुम अर्थ कौन से आई हो? वियान सर, एसन सर के सारे इमोशंस पता है तुम्हें, अमृता मेहरा का धोखा कहानी भी पता है। हाँ, कहीं तुम पुलिस तो नहीं लेके आई ना? वियान सर, एसन सर को नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अर्थ कौन की तरफ से आई हूँ, लेकिन अर्थ कौन ने मुझे यहाँ पर भेजा नहीं है मैम। इंटरेस्टिंग। मैम, मैं अमृता। अमृता जी, मैं कोई जजमेंट पास करने के लिए नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है, और आपने अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए बोल्ड स्टेप्स लिए ही होंगे। लेने पड़ते हैं कथा, एक छोटे शहर से पढ़ के आई आर्किटेक्ट को कौन पूछता है? आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन आपने जो भी किया ना, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से धोखा था। आप वो क्लाइंट साथ में ले गई थी ना, और वियान सर के गुस्से के कारण आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ ही नहीं सका। थैंक यू। एग्जैक्टली, मैं पागल थोड़ी ना हूं कि अपना पहला बिजनेस खोलो और अर्थकॉन जैसी कंपनी से दुश्मनी लूं। तो मैम बात, अरे यार अमृता, अमृता जी तो बात बस मिसअंडरस्टैंडिंग की है। हम इसे रिजोल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते, तुमसे बेटर जानती हूँ वियान को, और तुम्हारे वियान सर ने मुझे अपनी लाइफ से ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे मैसेजेस उनके कान तक पहुंचते ही नहीं है। आई वन, ये मेरा, ये तुम। मैम मैं हूं ना, आप मुझे बताइए, मैं आपके मैसेजेस शायद उन तक पहुंचा सकूं। देखो कथा, मैंने कोई क्राइम नहीं चुराया। अपनी कंपनी खोलना कोई क्राइम नहीं है। उन्हें जैसे ही पता चला मैं जा रही हूँ, कंपनी के सारे ऑपरेशंस की एक्सेस मेरे लिए ब्लॉक कर दी गई। तो जब मैं कंपनी के रिकॉर्ड्स देख ही नहीं सकती थी, तो हाउ वुड आई नो कि सिंगापुर प्रोजेक्ट की डील अर्थकॉन के साथ होने वाली थी। मेरे एक फ्रेंड ने मेरी नई कंपनी को सिंगापुर प्रोजेक्ट के लिए रेकमेंड किया,
और जब मैंने टेंडर जीत लिया तो क्लाइंट को प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने के लिए उसी फ्रेंड को रिफर किया। सिंपल सिंपल तो है, लेकिन अर्थ कॉन ने इस डील पे बहुत सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया था। काफी सारे वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। बहुत लॉस हुआ और एम्बैरेसमेंट भी। मुझे पता है, और इसीलिए मैंने कितनी बार माफी मांगने की कोशिश की। लेकिन वियान ने क्या किया? अपने बिल्डिंग के गार्ड के सामने बस मेरा नाम लेके देखना, तुम्हारी इंटरव्यू ब्लॉक कर देंगे वहां। अमृता जी, आप एक बार और माफी मांगने के लिए तैयार हैं? एक नए तरीके से देखिए, अगर बिजनेस में आपकी वजह से गलती से किसी को लॉस हुआ हो तो उसे अपोलोजाइज करने के लिए उसका प्रॉफिट करवाना चाहिए, राइट? मतलब आप वियान सर और एसन सर पे भरोसा करती हैं? हाँ, पर तुम क्या चाहती हो? आपने सुना है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ करें जिससे वियान सर आप पे भरोसा करने पे मजबूर हो जाए और क्लाइंट के सामने अर्थ कौन की इज्जत बच जाए। आपको जीतू सर याद है? ऑफ कोर्स, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हेल्पफुल, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने आज कहा कि उनकी उम्र में आके ना प्रोजेक्ट्स भी अपने बच्चों की तरह लगने लगते हैं। मेरी उम्र उनसे कम है लेकिन ख्याल मिलते हैं। आप बस ये समझ लीजिए कि मैं भी बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर हूँ मैं। हमारी टीम की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस प्रोजेक्ट से, तो आप बस अपना डिसीजन लेते समय ना उन उम्मीदों को याद रखिएगा। बेटे की फोटो देखने से दर्द कम होगा या बढ़ेगा? पर मैं तो चाहती हूं कि मुझे दर्द हो और दर्द हो और हो। पता तो चले कि दर्द होता क्या है। अपने मरे हुए बेटे की फोटो देखकर उसे याद करना दर्द होता है, या अपने 8 साल के पोते को मरते हुए देखना दर्द होता है, या ब्लड कैंसर अपने शरीर में लेकर जिंदा रहना दर्द होता है? आपको पता है दर्द क्या होता है? क्यों, जिनके आंसू आते हैं सिर्फ उनको दर्द होता है क्या? मां को दर्द होता है, बाप पत्थर का होता है। अगर आप दर्द समझते हैं तो आप क्यों किसी के दर्द की वजह बनना चाहते हैं? एक बार उस बच्चे के बारे में सोचिए, आप ही का पोता है वो। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने, वो सच में बहुत बीमार है, शायद उसके बचने की उम्मीद भी नहीं। चलिए भूल जाते हैं कि वो हमारा पोता है, आप तो करोड़पति हैं, आपके हाथों रोज करोड़ों का लेन देन होता है, लाखों तो आप हमारी
सहूलियतों पर ही खर्च कर देते हैं। चैरिटीज भी करते हैं आप? यही सोच लीजिएगा कि एक जरूरतमंद माँ और उसके बच्चे की मदद कर दी आपने, बस। एक करोड़ की मदद, ठीक है, मैं किसी हॉस्पिटल में इतने पैसे देकर 10 बच्चों की जान बचा लेता हूं। और मैंने ये कहा है तो मैं करूंगा जरूर। मुझे भी भगवान के पास जाकर अपना हिसाब देना है, लेकिन मेरा हिसाब क्लियर है। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। भगवान करे उससे उसका बेटा ना छीने, लेकिन उसके बेटे को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और पिछली बार शायद तुम्हें मेरी ना का मतलब समझ में नहीं आया था, इस बार साफ तौर पर समझ लो, ना मतलब ना। जीतू भाई, मेरा एक कजन है दुबई में, आई थिंक वो ये काम करा सकता है। मतलब कैसे हुआ ये? Even I don't know. Relax. मुझे भी अभी मेल आया। Even I'm surprised. But it's for good, right? किसी को भी खबर है? हो क्या रहा है हमारी कंपनी में? Viaan सर, शायद अमृता आपसे माफी मांगने चाहती हूँ। जीतू भाई, मैंने मांगी थी उससे वो माफी। Viaan, I think जीतू भाई is right. अमृता ने बिना सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट या बिना किसी गारंटी के ये काम किया है। पहला कंसाइनमेंट इस समय शिप पे और कुछ घंटों में दुबई में होगा। सो या, यू नेवर नो, मे बी दिस इज अ वे टू अपोलोजाइज। मुझे पता है उसने क्या किया, लेकिन उसे टेलीपैथी से पता चला हमारे कंसाइनमेंट्स के बारे में। उसके पेपर वर्क में हमारे कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स मेंशन किए गए, सारे प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो किए गए हैं। ये सब उसने बिना इस बिल्डिंग में घुसे कर लिया अपने आप। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। Alright guys, listen. मैं जानना चाहता हूं अमृता मेहरा के साथ प्रोजेक्ट डिटेल्स किसने शेयर किए। मुझे पता चले या मैं पता लगाऊं, व्हाट्स बेटर? Viaan, सो मैंने जाके मिस अमृता मेहरा से बात की थी। हमारी बात हुई थी इस पे। मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि हम अमृता मेहरा के साथ बिजनेस नहीं करते। आई नो सर, मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा है। आई रियलाइज कि अमृता मेहरा हमारी कंपनी में ब्लैकलिस्टेड है। कांग्रेचुलेशंस देन। सर, मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बोला। आपने उनसे बात की? बस यहीं रुक जाइए। बस इसी बात के लिए मना किया था, बात की बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, बात की बात ही तो इंपॉर्टेंट है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बस। ओह, आई सी। वो आपको धोखा नहीं देना चाहते। मगर उन्होंने धोखा दिया और आपको नहीं लगता कि आपके बॉसेस यहाँ पे जो डिसीजंस लेते हैं वो सोच के लेते होंगे? सर, मुझे सिर्फ ये लगा कि अर्थकॉन इंडस्ट्री में एक बार एम्बैरेसमेंट झेल चुकी अमृता मेहरा के कारण, अब दोबारा ऐसा ना हो। सर, मुझे लगा कि सिंगापुर प्रोजेक्ट की तरह अगर दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से चला जाएगा तो अर्थकॉन का नाम खराब होगा, हम सब की इतने महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी। सर, और सर आपने तो शेख से, आई मीन मिस्टर अब्दाली से प्रॉमिस किया था,
तो सर इस प्रोजेक्ट पे लीड डिजाइनर होने का मेरा क्या फायदा अगर मैं कंपनी की कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाऊं? सर हम सब फेल होते और सर आपको तो मिस्टर अब्दाली के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। यस यस, मगर आप में इतनी तमीज होनी चाहिए थी कि वो फैसला आप मुझे लेने देती। आई एम सॉरी सर। सर जब मुझे यहाँ पे हायर किया गया था ना तो अर्थ कॉन के लेटर हेड पे आपके और एसेंस सर के सिग्नेचर के साथ में एक लेटर आया था। उसमें लिखा था वेलकम टू अर्थ कॉन फैमिली। उसमें आपने ये भी लिखा था कि हम आर्किटेक्ट सिर्फ सुंदर बिल्डिंग्स बनाने के लिए और अवार्ड्स जीतने के लिए हायर नहीं करते, हम उन्हें लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हायर करते हैं। उसमें आपने ये भी लिखा था कि मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, बॉस नहीं। आपका बॉस आपका अपना काम है। तो सर आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर वर्ड्स। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। पर क्या उन पेपर्स में ये भी लिखा था कि अपने बॉसेस के खिलाफ जाके आप कंपनी के डिसीजन लेंगी? नो सर। अच्छा लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है ना? नहीं, आपके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब शुरू होगी। What is everybody watching? Get back to work. Don't worry. I'll try and calm him down. पर मैं इस प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। मेरी नौकरी का सवाल था। पर अब देख ये प्रोजेक्ट तो शायद बचा लिया मैंने, लेकिन मेरी नौकरी का अभी भी कोई भरोसा नहीं। Viaan, what was that? Viaan, Viaan सबके सामने उसे डांटने की क्या जरूरत थी? In fact उसे डांटने की ही क्या जरूरत थी? Viaan, you know what she did is right. She knew उसका बॉस इस वेंडर के सामने नहीं झुक सकता, लेकिन उसके एम्प्लॉय तो झुक सकती है ना? किसी को झुकने की जरूरत नहीं है। This is a company. यहाँ पर एक सिस्टम है, एक हायरार्की है। वो अपने बॉसेस के लिए डिसीजंस नहीं ले सकती। अगर उसे अमृता मेहरा से मिलना था ना, पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी उसे। That's what she should have done. तुझसे बात करनी चाहिए थी? Yes. यार अमृता के नाम पर तू जैसे रिएक्ट करता है ना, तो वो क्या जीतू भाई और मैं भी दो बार सोचते तुझसे बात करने के लिए। कम ऑन। व्हाट कम ऑन? कल बात की मैंने अमृता के बारे में, याद है मेरे पे कैसे भड़का था? और अगर तू चाहता है कि वो तुझसे आके बात करे, तो एक बात बता विहान, उसे ये कॉन्फिडेंस कौन देगा कि वो आके तुझसे सेंसिटिव इशू के बारे में बात कर सके? लुक एट यू भाई, यू आर लाइक अ वॉल। सो ग्रेट, तू मुझे बुलडोज कर दे। मेरा वो मतलब नहीं है भाई, ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि तू जानता है इस प्रोजेक्ट पे डेडलाइन अचीव करने का और कोई रास्ता नहीं था। अगर कंसाइनमेंट नहीं निकलता तो प्रोजेक्ट निकलता हाथ से, पर लैंड होता पिरामिड के पास। तू यही चाहता है? व्यान मेरी बात ध्यान से सुन। व्यान अगर हमने आज कथा को सपोर्ट नहीं किया ना, तुम्हारे एम्प्लॉयज सोचेंगे कि हमारे लिए हमारी ईगो बड़ी है, हमारा बिजनेस नहीं। सो प्लीज anyway, मैं तुझे ये सब क्यों बोल रहा हूँ? आई एम श्योर इवन समवेयर यू नो कि कथा ने जो किया वो सही था। और जितना मैं तुझे जानता हूँ ना व्यान, तेरे लिए काम से बढ़कर कुछ नहीं, अपनी ईगो भी नहीं। बारह बजे की मीटिंग कॉल कर एसन, मेक श्योर सब एम्प्लॉयज प्रेजेंट हो, पूरी कंपनी। I want to meet everyone. यार हमने अभी तो जितना मैं कह रहा हूं उतना कर। Can't believe you, man. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.